तो भैया पूरे इंदौर को इंदौर टॉक की टीम की तरफ से भैया राम। और आज इंदौर टॉक की टीम निकल चुकी है इंदौर की तफरी पे। तो भैया कहाँ जाने वाले हैं आज की तफरी पे, ये बताएंगे हमको जो हमारे गाड़ी के संचालक जी हैं आशीष भैया। तो आज की तफरी के लिए कहाँ जा रहे हैं अपन? सनील, ऐसा है, आज की तफरी हम लोगों ने डिसाइड की, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी हम लोगों ने शायद पिछले हफ्ते ही मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड एक इमेज पोस्ट किया था, वो किसी व्हाट्सएप यूज़र्स द्वारा हमें दी गई थी। तो उस पोस्ट को पोस्ट करने के बाद काफ़ी सारे रिएक्शन, काफ़ी सारे कमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे थे कि एक फेक फ़ोटो है, अभी इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम नहीं चालू हुआ है। तो बेसिकली आज हम वही चीज़ देखने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली मेट्रो का काम चालू हो चुका है या ये कोई एक फेक फोटो। वैसे तो जनरल मुआयना करने जाने और उसके बाद हम लोग जाएंगे निर्मला पाठक जी के घर। आपने देखा होगा, खैर अभी तो वो ड्यूटी पर नहीं है, पर पहले वो इंदौर की ट्रैफिक वार्डन के रूप में कार्यरत थी और काफ़ी लोगों ने उन्हें सड़कों पर देखा होगा ट्रैफिक का संचालन करते हुए। तो वो अब है अस्वस्थ, तो उन्हीं के हालचाल जानने और उनसे एक मुलाकात करने हम लोग फिर निर्मला पाठक जी के घर जाएंगे। अच्छा, तो आशीष भैया ने जैसा बताया कि इंदौर टॉक की जो टीम है वो निकल तो पड़ी है इंदौर की सड़कों पे। भैया दोपहर में जो जिस हिसाब से खतरनाक गर्मी और धूप थी, 42-43 डिग्री का जो पारा था एकदम चढ़ चुका था, और अब अभी जो मैं टेम्परेचर देख पा रहा हूँ वो है 38 डिग्री। तो थोड़ी सी ठंडक तो नहीं कहूंगा, पर हाँ जरूर धूप जरूर ढल चुकी है, थोड़े से बादल जरूर आज हमको इंदौर की फिजाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आशीष भैया ने बताया, इंदौर टॉक की टीम निकल चुकी है इंदौर की सड़कों पर। हम जा रहे हैं MR-10 की तरफ, जहाँ पर हम आज आप सभी को दिखाएंगे कि वाकई में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, साइट कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, जो फोटोग्राफ जो अभी सोशल मीडिया पे आ रही है वो फेक नहीं है, और किस प्रकार से क्या काम हो रहा है उसकी हालांकि डिटेल स्टोरी भी हम लोग पुट करेंगे, पर क्योंकि जब जा रहे हैं तो जाते जाते क्यों ना थोड़ी बात भी की जाए। एक और जो संवेदनशील मुद्दा है, जैसा आशीष भैया ने बताया, जो पाठक मैडम थे जो हैं अभी फिलहाल तबीयत खराब है उनकी और बिस्तर पर है। जैसा कि आज सब लोग इंदौर के ट्रैफिक संभालते वक्त जिस हिसाब से लोग रंजीत भैया को प्रेम करते हैं और उनका जो स्टाइल देखते हैं, वैसे एक ज़माना जो है पाठक मैडम का भी था, पर फिलहाल वो अभी अस्वस्थ हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। और अभी इस वक्त जो है हमारा जो हमारी गाड़ी है, जो हमारा रथ है इंदौर टॉक का, वो LIG चौराहे की तरफ बढ़ चुका है। LIG चौराहे पे बस पहुंचने ही वाला है। शाम का ये वक्त है, ढलता सूरज काफी प्यारा लग रहा है। हमारे साथ विनीत भैया भी हैं। क्या विनीत भैया, क्या माहौल है अभी? आज दिन भर आज धूप में खूब बाहर थे आप, शाम को ऑफिस पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है इंदौर का? भैया सबसे पहले तो इंदौरी जनता को राम राम है, और भैया क्या बताऊं, ऐसे थपेड़े पड़ रहे हैं धूप के और हवा के, ऐसी लू चल रही है बाहर, मतलब मैं 2 लीटर पाना पी गया हूँ केरी का, फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही। और भैया एक बात तय है कि इंदौर की गर्मी और इंदौर की ठंड दोनों बेहद है, लेकिन जो मजा इंदौर के रोड पे चलने में आ रहा है उसका तो मजा ही अलग है। नहीं, एक बात तो आपने सही कही, मैं जरूर इंदौर के लोगों से पूछना चाहूंगा इस वक्त जो भी लोग भी लाइव से जुड़े, एक बात सही बताना कि घर से कौन कौन आज प्याज लेके निकला है जेब में। कमेंट कर बताएं भैया, कमेंट करके बताएं कि कौन कौन प्याज लाया है, और अगर प्याज लाया तो भैया 10 रुपए के सेव परमल भी लिया ना साथ में। नहीं भैया, वो होता यही है क्या, सुबह घर से निकलते वक्त घर वाले का प्याज तो रख देते हैं, और शाम होते होते वो क्या प्याज घर नहीं पहुंच पा रही है, और वो इसका अपन इन्वेस्टिगेशन तो बिठा दिया कि वो प्याज आखिर चली कहां जाती है। हो गया। और भैया तो भैया फिर से एक बार कनेक्ट हो गया, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अरे यार भैया, पर अभी देखो 25-27 देख रहे थे, नीचे 4 पे आ गए। कोई बात नहीं, आंकड़ा फिर से बढ़ जाएगा, भाई लोग अपने वापस से लौट कर आएंगे जैसे ही देखेंगे लाइव वापस शुरू हो गया। और ये जो अपने इंदौर टॉक के भाई लोग हैं ये अभी तक बरकरार हैं इस लाइव पर। तो हम पहुंच गए इस बार LIG चौराहे पर ही है यार, जब से 2 बार 3 बार या अभी 4थी बार सुमन भी ड्यूटी पे नहीं है। एक बात बता दे, सुमन भैया की क्या शादी है, उनका निमंत्रण भी आया था हमारे पास, पर चूंकि व्यस्तताएं इतनी थी हम लोग जा नहीं पाए। सुमन भैया की अभी फिलहाल जो है कुछ दिनों में शादी होने वाली है, तिलक हो चुका है उनकी
हमें भी सोशल मीडिया पे ही पता पड़ा था कि उनका तिलक हो चुका है, बट अब शादी की बारी है, इस कारण अभी आप लोग मिस तो कर रहे होंगे सुमन भैया को अपने LIG चौराहे पे। ये देखो भैया, भैया की स्माइल देखो, लेकिन भैया की एक गलती, भैया ने हेलमेट नहीं पहना है, और इसी तरह से लोगों को सुधारना पड़ेगा बार बार दिखा दिखा के। हेलमेट से बता दो विनीत भैया, है ना, हेलमेट तो पहनना है। देखो मैंने तो सीट बेल्ट पहना हुआ है, मेरा तो क्या रूल है ना भैया, मैं घर से निकलते ही सीट बेल्ट बकल अप हो जाता है अपना, क्या है ना सेफ्टी फर्स्ट है, और बोला ही गया है भैया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अल्टीमेटली दिया है सीट बेल्ट तो किसी कारण से दिया होगा। विनीत भैया आपने सीट बेल्ट नहीं पहना भैया, वो गलती हो गई, और पहनो भैया पहनो, शक्तिमान को सॉरी है, जब हम ही नहीं पहनेंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे। विनीत भैया पहनो जरा सीट बेल्ट लगाओ अपना, और इसी के साथ भैया वो क्या है ना पेट अड़ जाता है। विनीत भैया को मैं थोड़ा दर्शन करा दूं आपको, विनीत भैया क्या वैसे तो है देवास से, बट वो ठेठ इंदौरी हो चुके हैं, खाने के मामले में उनसे रवा ही नहीं जाता भैया, पता नहीं क्या क्या खाते रहते दिन भर, खुद भी खाते हैं हमें भी खिलाते हैं भैया। आज इनको मैं एक ऐसी चीज खिलाने वाला हूँ, आज उधर का टेस्ट, आज हम जब MR10 की तरफ निकल ही चुके हैं तो मैं आज एक और जगह की आपको तफरी कराने लेके जाऊंगा, जो इंदौर के लिए मतलब वरदान है, हालांकि उस पर हम लोग स्टोरी भी करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ और फीमेल के लिए तो वाकई में वरदान है। तो भैया सुनील भैया, अतुल भैया, आशीष भैया, आप लोग एक्साइटेड हो भैया, कमेंट करके बताओ वो क्या चीज है जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। भैया पापड़ चौराहे पे एक जगह है, और वो मतलब ऐसी जगह है कि भैया आपको मजा आ जाएगा मजा के, और मतलब वो अभी तक डिस्कवर करा ही नहीं है किसी ने, और हम डिस्कवर करके दे रहे हैं आपको वो जगह। मतलब इंदौर के लोगों को भैया क्या है, सिर्फ तीन चीजों में उनका क्या बोलना चाहिए महारत हासिल है, बसी खाओ पियो और खिसको। तो विनीत भैया इसी के साथ ना एक बार जरा वापस से कैमरा घुमा दो उस तरफ, जरा एक नजारा BRTS का लोगों को दिखवा दो, क्या नजारा हो रहा है, क्या गायब है जगह है, शाम है और क्या बात है। अभी हम सामने से निकल रहे हैं शॉपर स्टॉप के, और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, गुरु नानक सत्संग दरबार गुरुद्वारा LIG पे थोड़ी नजर दौड़ाइए, देखिए इंदौर लाजवाब ब्रांडिंग, मतलब ये आजकल ये जो बेसिकली आजकल हर ब्रांडिंग में का जो ब्रांड है उसमें हर चीज को इंदौर नंबर वन को बनाया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आप हर जितने भी ये जो यूनिपोल्स लगे हुए लाइट के BRTS पे, सब पे से स्वच्छता छाई हुई है और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, और ब्रांडिंग हो भी क्यों ना क्योंकि हैट्रिक लगा चुके हैं, हैट्रिक के बाद भी कुछ नेक्स्ट टाइम अब क्या लगाएगा इंदौर विनीत नहीं, पर एक बात है इसी पे, जब आपने ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली अगर मैं लोगों को बता दूं, जैसे अगर हम ब्रांडिंग मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये जो भी आप होर्डिंग्स और ये सब चीजें देखते हैं ये आउटडोर मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। अगर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएं इंदौर में थोड़े पुराने समय की बात करें, तो एक समय था जब इंदौर होर्डिंगों से पटा पूरा भरा पड़ा हुआ रहता था, आप जिस जगह भी चले जाइए वहाँ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स देखने को मिलते थे, कई बार चौराहों पर होर्डिंग इस तरीके से रहते थे कि आगे का रेड सिग्नल हो या आगे रास्ता, इनफैक्ट अब ये भैया को देखो रेलिंग लगी है पर भैया रेलिंग कूद कूद के निकल रहे हैं, अब ये हादसों को ही बढ़ावा देंगे, बोलेंगे हमारे को ठोक दिया, मतलब थोड़ा सा वॉक कर लो भैया, वॉक व्हेन यू टॉक, सबको शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, शॉर्टकट ठीक है पर हर चीज में शॉर्टकट नहीं, लाइफ ही शॉर्ट हो जाएगी। और ये इंदौर की एक और शान, यात्री सेवा वाहन, यात्री सेवा हमारा मैजिक, हमारी मेन, हमारी मैजिक जिसने पूरे ट्रैफिक की लगा के रखी है भैया, मतलब क्या होता है ना अंदर की भावनाएं निकल आती है बाहर। सुनील भैया आप क्या बोलना चाहेंगे ट्रैफिक के इस चलते फिरते नमूने के बारे में? नहीं ये टाटा मैजिक और वैन के बारे में, आपने वैसा वो जंगल में सांप को चलते हुए देखा है? वो कभी एक रास्ते भी नहीं चलता, वो कभी एकदम से लेफ्ट ले लेता, कभी एकदम से राइट ले लेता, तो कुछ ये जो यात्री सेवा वाहन का जो परिदृश्य ये भी कुछ ऐसा सांप जैसा। अच्छा मैंने सुनील भाई एक बार और गौर किए कि गाड़ी चलाते हुए अपने मतलब इंदौर में ये इंडिकेटर कंसेप्ट तो चलता ही नहीं है,
मतलब जैसे मैं जब भी मुंबई गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, तो वहाँ लोग बाकायदा मुंडे के पहले लेफ्ट टर्न मुड़ रहे तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट मुड़ रहे तो राइट इंडिकेटर जरूर देते हैं। तो भैया पता ही नहीं लगता। मुंबई के ऊपर मैं एक कमेंट करूंगा, इतनी बड़ी सिटी है, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन वहां पे लेन स्वैपिंग कभी नहीं होती है। लेन स्वैपिंग का मतलब कि अगर आप जिस लेन में निकले हैं घर से, अगर आपको मुड़ना है तो ही आप लेन चेंज करेंगे, अदरवाइज आप उसी लेन को फॉलो करते रहेंगे। और अपने यहाँ पे लेन स्वैपिंग नहीं होती, भैया ने बताया ना जो सांप चलता है ऐसा, वैसी वाली कहानी रहती है। नहीं भैया, आपने ये बात गलत बोली, हमारे यहाँ भी लेन स्वैपिंग नहीं होती है, क्योंकि जब जब बात लेफ्ट टर्न की आती है तो हम बिल्कुल हमारी लेन नहीं छोड़ते हैं, हम बिल्कुल लेफ्ट टर्न में खड़े हो जाते हैं, भले हमें सीधे जाना हो। तो भले ही हमारे नहीं बोलेंगे, हमारे पीछे 10 गाड़ियां पॉप कर रही हैं। और ये दृश्य भी यहाँ देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अब लेफ्ट टर्न आने वाला है आगे का, और यहाँ पक्के से वो दृश्य देखने को डेफिनेटली। कुछ कमेंट आ रहे हैं, विनीत भैया जरा पढ़ के बताओ। हां भैया, कमेंट भी देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट व्हील MR9, कुलदीप भैया सही बोल रहे हो, अगला चौराहा जो MR9 आ गया है, जिस जिसको उतरना है 5 रुपए किराया दे के उतर सकता है। रसोमा चौराहा कहा जाता है इसको, और इस चौराहे की एक स्पेशलिटी है विनीत भैया, आपको पता है कि नहीं क्या? ये चौराहे वैसे तो चौराहा नहीं है, ये पंचौरा। इस चौराहे पे दो सिग्नल आपके फ्रंट में लगे हैं, वो आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा वाला सिग्नल कौन सा है, क्योंकि एक ट्रैफिक इसमें आता है भमोरी साइड से और एक आता है सयाजी साइड से, तो उन दोनों साइड्स के लिए अलग अलग सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मुड़े कहां से। बिल्कुल सही बात है। तब वो लेफ्ट टर्न की बात चल रही थी, तो देखिए वो देखिए हम लोग भी लेफ्ट टर्न में खड़े हुए हैं, जाना और ये लेफ्ट है। लीजिए आप लोग, बट लेफ्ट जाएं कैसे? नहीं दे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट पे तो सारे लोग राइट वाले करके खड़े हुए, राइट वाले जिन्हें राइट जाना है, जिन्हें सीधे जाना है, वो भी लेफ्ट पे खड़े हुए। साहब एक बात बताऊं, ये खाली लेफ्ट टर्न की बात नहीं है, अभी पूरा देश ही लेफ्ट और राइट और नितेश भैया आपको भी राम है, नितेश भाई आपको भी हाय है हमारी तरफ से, टीम इंदौर टॉक की तरफ से। और देखो भैया, सीट बेल्ट मतलब रुक कोई नहीं, चुने लोग ही देखते हैं जो सीट बेल्ट लगा। अब देखिए, अब सिग्नल चल चुका है, अब सिग्नल ग्रीन हो चुका है, हो जाता है जब सीट बेल्ट लगा हुआ कोई भी। और ये देखिए आप, एक और बहुत ही अच्छा सैंपल खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई साहब कहाँ खड़े हुए हैं, लेफ्ट टर्न पे खड़े हुए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, उल्टे खड़े भी हैं, और यहाँ अंकल भी खड़े हुए हैं। अंकल भी क्या कर अब सकते हैं? ये कंफ्यूजन हो गया कि जाए किधर से। अब ये देखिए, ओहो बहुत ही बढ़िया, ये देखिए आप, ये मेन रोड पे आगे खड़े हो गए, खड़े हो गए, अब इंसान जाए कहाँ से। और ये देखिए आप, एक इनका भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हार्ड चल रहा है यहाँ पे जो भी चल रहा है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, वाओ बड़ी खूबसूरत जगह है, बिल्डिंग बहुत प्यारी है, इसका रिसेप्शन एरिया बहुत खूबसूरत बनाया, मेरा आना हुआ है 2-3 बार इवेंट्स के सिलसिले में, काफी सुंदर जगह है, एमिनिटीज भी बहुत अच्छी है। और ये अभी एक नई जगह है शोशा, जो काफी सोशल मीडिया पे छाई हुई है, प्री बुकिंग है सारी यहाँ पे। अभी हम लोग गुजर रहे हैं भैया रॉयल एनफील्ड के शोरूम के सामने से, और वापस आ जाते हैं हम लोग इस लेन पे, क्योंकि भैया देखो कमर्शियल कुछ नहीं है, सब कुछ इंदौर का है, अगर शोरूम है तो भी इंदौर का है। क्यों सनील भैया, क्या बोलते हैं? मतलब इंदौर का हर ब्रांड अपने आप में नेशनल ब्रांड है, मतलब हम लोग बेसिक। और ये देखिए ट्रैफिक भी यहाँ का नेशनल ब्रांड है, ये देखिए फेमस है इंदौर की, ये नेशनल प्रॉब्लम है सर, ये नहीं, नेशनल ब्रांड है। ब्रांड तो तब बनेगा जब हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 होंगे सर, वो लगता नहीं है ऐसे लोगों को देख के बन पाएंगे। ये देखो भाई को देखो साइड में, ये देखो भैया, ये भैया को देखो, अब इनका लाइसेंस भी नहीं होगा लगता है ऐसे। अब भैया कन्ना तेड़ा करके चला रहे हैं, गाड़ी तो चला ही रहे हैं, अब ये जरा इनको भैया को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं और कहाँ जाते हैं ये देखते हैं, और भैया से पूछ भी लो लाइसेंस है भैया, इनका कंधे तेड़ा नहीं रह जाए ऐसा लगता है। अब ये पता नहीं कौन से युग के मानव गाड़ी चला रहे हैं, हमें तो कई बार लगता है इनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी हो गई है, ये कंधा तेड़ा करके क्यों चला रहे हैं। नहीं भैया, ये अजय देवगन के फैन है एक्चुअली वो भैया इनकी पर्सनालिटी से बड़ी तो मुझे गाड़ी दिख रही है। एक मिनट भैया रोक लो ना भैया से, पूछ लो कैसे चलते चलते बात करिए जरा, क्या बात कर लीजिए भैया, आगे आगे लीजिए भैया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लाइसेंस है क्यों? अरे रुको रुको,
अरे रुको भैया, भाग गए हैं क्योंकि भैया को समझ आ गया है कि भैया की रेट पिट गई, आप भैया अंदर घुस गए। आती तो तब होती जब हमारे आशीष भैया उधर डाल देते गाड़ी। ये सनील भैया ओवर टू यू। तो दिखा दिया हम, अभी देखा ही आपने कि ट्रैफिक नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं इंदौर के अधिकतर लोग। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ट्रैफिक, अरे अर्जुन भैया हमको घेर देगा तो चलेगा, लेकिन सुधर तो जाएगा। अर्जुन भाई बोल रहे हैं तुमको ही घेर देगा वो। भैया घेरने के लिए खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घेरने तो नहीं देंगे। थोड़ा एक बार लेफ्ट और जरा दिखा देंगे, यहाँ भी है कि चौपाटी काफी बड़ी शानदार अच्छी ट्रेंड में है। अभी जब हम लोग रिटर्न आएंगे भैया जब दिखाएंगे अच्छे से। नहीं हाँ बिल्कुल, तुमने बेल्ट पहना है कि उनको बेल्ट दिखा दो भैया। सीट बेल्ट भैया मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, हम दोनों लोग सीट बेल्ट, ये मेरा सीट बेल्ट है और ये आशीष भैया का सीट बेल्ट है। भैया अभी अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़े होते तो मैंने नहीं पहना हुआ था, तो आशीष भैया ने मुझे बोल के पहनाया है। और आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं जब हम लोग ये वीडियो एंड कर देंगे। और आजकल ये भैया चिल्ड वाटर का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? प्रचलन बढ़ गया है, एक तरह से अच्छी सुविधा भी है कि दफ्तर में आपको इस चिलचिलाती धूप गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ऊपर से नजारा दिखाएं अब, और ये एक नया आयाम। बहुत ही उम्दा फोटो है और जो हम वो फोटो है जो हम लोगों ने डाला है, और हम आ चुके हैं उसी गंतव्य स्थल। और बिल्कुल ये लगा हुआ है बेसिकली
दिल्ली बिल्डिकॉन लिमिटेड इस कार्य को करने जा रही है। इंदौर मेट्रो वर्क इन प्रोग्रेस, हैवी मशीनरी वर्किंग एरिया, माइंड योर सेफ्टी, गो स्लो। तो कुल मिला के ये जो पड़ताल थी ये सही साबित हुई है। वो जो फोटो जिसे काफ़ी यूज़र्स फेक बता रहे थे या बता रहे थे नहीं ऐसी कोई चीज़ अभी इंदौर में नहीं हो रही है, तो हम उनको ये एक पूरा एक लाइव व्यू दे रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं इंदौर मेट्रो की। जो स्टार्टिंग चीज़ें हैं, हो सकता है आगे हमें कुछ इंजीनियर्स मिल जाएं काम करते हुए, तो हम बिल्कुल उनसे रूबरू करवाएंगे आपको। भैया इसके एंड पॉइंट तक चल के देखते हैं कहाँ से काम शुरू हुआ है, ताकि हम लोगों को दर्शकों को अच्छे से बता पाए और अच्छे से नॉलेज दे पाए कि कहाँ से काम स्टार्ट हो चुका है और कहाँ तक अभी तक काम पहुँचा है। जरूर विनीत जी, हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा ये। सनील जी की आवाज नहीं आ रही काफी टाइम से। सनील काफी टाइम से सुन रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बातें अच्छी हो रही थी इसलिए मेरे ख्याल से। हाँ सनील जी का ऐसा है कि सनील जी अधिकतर शोज में आप सनील जी को देते हैं। कभी ईस्टर्न रिंग रोड आओ भैया, भैया आते हैं भैया बहुत जल्दी। और कुछ ईस्टर्न रिंग रिप्लाइंग टू अनुप सिंह, सही है बहुत। अर्जुन जी, अर्जुन जी ने शायद कुछ कमेंट वापस से डाला है, हम लोग देखते हैं क्या डाला है। अभिषेक भाई, अभिषेक सुनील तिवारी जी ने डाला है प्रूफ के साथ, बहुत हार्ड। भैया बहुत हार्ड तो है ही सही टीम, और हम आपको बता दें कि बहुत हार्ड जो है ये इंदौर टॉक की टीम का सबसे बड़ा स्लैंग है। जब भी कोई काम हमें पसंद आता है तो हम बोलते हैं बहुत हार्ड बहुत हार्ड। और विनीत जी आइए एक थोड़ा सा इंदौरी सॉन्ग सुन लेते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर, अपने इंदौर के और इस गड्डी में सुनो वो गाना जिसका नाम भी है लोगों द्वारा ये गुड मॉर्निंग में, गुड इवनिंग में, गुड मॉर्निंग का गाना सुन रहे हैं। और लेकर आ गई हूँ अपनी MP09 गड्डी, और इस गड्डी में ये देखिए यहाँ तक जिसका नाम भी है वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब कुल मिला के मुझे जहाँ तक लगता है कि सुपर कॉरिडोर से स्टार्ट हो रहा है ये वर्क। कलर की मामा के लड़के की गाड़ी 20-15 QP MP09 ब्रिज पे मैं जब भी आता हूँ मुझे थोड़ा थोड़ा मुंबई का फील आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जिस जगह पे सिचुएटेड है एक्चुअली ये ब्रिज, ये खुला खुला सा थोड़ा सा एरिया दिखता है, इस वजह से आपको वाइड पर्सपेक्टिव आता है इंदौर का, कि इंदौर हमारा एक पहले मतलब एक छोटा सा शहर आज इतना बड़ा विशाल रूप आपको लेता जा रहा है। बिल्कुल अर्जुन भैया ने वापस से बहुत सही साठ बात बोली है। क्या बोली कि भैया ये इंदौर है, यहाँ सलंग और MY के पलंग शायद अपनी बहुत हार्ड वाली बात पे उन्होंने बोला है। उसके बाद पीयूष विजयवर्गीय जी ने कमेंट किया है भैया दिल धड़क गए जोर से अपने इंदौर को देख के, इंदौर से बाहर नौकरी करते हैं बट इंदौर दिन में लिए फिरते हैं।
क्या बात है पीयूष जी, पीयूष जी जोरदार, बहुत ही हार्ड है तो, बहुत हार्ड है। और भैया सलंग एमवाई से पलंग भी है। हम बिल्कुल पीयूष जी आपकी भावनाएं समझ सकते हैं कि घर से दूर रहना और अपने शहर से दूर रहकर काम करना। हेमंत पटेल जी बोल रहे हैं कि मैं नागपुर से इंदौर को मिस कर रहा हूँ, मिस यू, थैंक यू इंदौर डॉग, थैंक यू वेरी मच सर। इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे कि हम बिल्कुल आपको दर्शन कराते रहे इंदौर के, एक नई जगह पर तफरी के लिए ले जाया जाए। और मोहित यादव जी बोल रहे हैं भैया सुपर, तो मोहित भैया सुपर से भी ऊपर है इंदौर अपना। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। हम काम करते हैं यहीं से यूटर्न मार लेते हैं भैया, मेरे हिसाब से वहाँ चलते हैं। क्योंकि सुपर कॉरिडोर हमें जाना है एक शूट पे, लंदन विलास हम चलेंगे तब सुपर कॉरिडोर निपटा देंगे। अच्छा, क्योंकि अभी हमें जाना है निर्मला पाठक मैडम के यहाँ पर भी। ओ या, तो वो थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और वो जो लोगों से वादा करा था वहाँ भी चल रहे, तो वो जो अभी सस्पेंस करके तो बताए नहीं है। मतलब पापड़ चौराहे पे ऐसी कौन सी चीज है जो खास करके फीमेल्स को ज्यादा पसंद है, और वो सभी मिलकर एक ग्रुप में मारा करते हैं। और ये भी बता देते हैं वो एक खाने की चीज है और सब उसको मारते हैं। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात जो हर नारी शक्ति की कमजोरी है, नारी शक्ति की कमजोरी जो फूड है वो लाइक करके बताएं कि नारी शक्ति को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, और अगर आप बताओगे तो हम आपको उस जगह पे अनवील करेंगे। उस जगह को अनवील करेंगे वो पक्का लिख के देते हैं, दिया जाएगा आपको। और हमारी साइड से एक सुविधा ये है कि आप अभी अगर हैं नारी शक्ति के आसपास तो आप उनसे बिल्कुल बकायदा सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। हेमंत भाई शुक्रिया आपका कि आपने हमारे वीडियो पे कमेंट करा, हमारा तो काम है आपका जवाब देना, और वो इस तरह से देते भी रहेंगे। अर्जुन भाई का बोलना नारी को नर पसंद है। अर्जुन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, नारी को नर से ज्यादा भी एक चीज पसंद है और वो है पानी पताशे। अर्जुन भाई ने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये भी इन खाए जाते हैं, मतलब इनका भी बीजा खाया जाता होगा। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं मतलब भावनाओं को समझो विनीत भी, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। श्वेता जी जुड़ी है हमसे, मिस यू इंदौर। श्वेता जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप कभी इंदौर को मिस नहीं करेंगे। इंदौर की हर लेटेस्ट अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर लिखें हमारा 9009048480, उस पे इस नंबर को अपनी मोबाइल फोन में सेव करें। तो कुल मिला के यहाँ से काम चालू हुआ है। हाँ भैया यहाँ से चालू हुआ है मेट्रो का काम, ये बस ये ब्रिज उतरते से चालू हुआ। लाल लाइट भी दिख रही है, और ये देखिए लाल लाइट। तो विनीत भैया एक बात जरा देखो, जरा ध्यान से इन बैरिकेड्स पे भी दिखाओ, ये जो लाल और नीला है उसमें बीच बीच में जो रेड डिजाइन उकेरी है तो मतलब गजब ही है, बहुत ही उम्दा है। मतलब मैं ये आश्चर्य करता हूँ ये डिजाइन इतनी ऊपर तक कैसे गई हुई है। अच्छा, हाँ। नीचे तो समझ में आ रही है पर ये ऊपर तक की डिजाइन कैसी मंडी हुई है, आप जरा ये जरा बताएंगे कैसी क्या इतना आर्टवर्क जो है। ये हमारे सभी मैजिक और वेन लोगों के, वेन वालों का कमाल है। ऊपर से उछल उछल के भैया ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो प्लेन में बैठ के गए होंगे ना उन्होंने खाया होगा गुटखा, खिड़की खुली। हाँ, खिड़की खुली रखी होगी। और वही अब गुटखे से तो ध्यान आया कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली वीडियो भी किया था जो डिवाइडर रंगे जा रहे हैं गुटखा जो थूकने वाले हैं उनके द्वारा। तो भैया गुटखा थूकने वालों आपसे बार बार निवेदन है, इंदौर टॉक की टीम हमेशा ये निवेदन करती है कि ये जो स्वच्छता का हमें ताज तीसरी बार मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है, उसके लिए काफी अथक प्रयास करती है हमारी सफाई में जो लगी टीम है, जो हमारी घर की माताएं बहनें उनका भी काफी सहयोग है। जब वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखकर कचरा गाड़ी को दे सकती हैं तो भैया आप लोग क्या इतना नहीं कर सकते क्या कि जो रोडों पे डिवाइडर है इनको थूक कर गंदा ना करें। बेशक हम आपको मना नहीं कर रहे हैं खाने के लिए, बट
किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, आप खाएं, आप पान खाएं, आप गुटखा खाएं। इसी बीच वापस से अर्जुन भाई आ गए लाइन। बट अनुरोध आपसे यही है कि उन्हें डिवाइडरों पे ना थूकें, उचित स्थान पर थूकें। तो अर्जुन भाई का बोलना है शायद ये भाई सब इंदौर के नहीं है क्योंकि यहाँ गोलगप्पे नहीं पानी पताशे बोलते हैं। भाई हमने भी पानी पताशे ही बोला, आपने गोलगप्पे शायद गलत सुन लिया हो, लेकिन हमने तो बोला तो पानी पताशे ही था क्योंकि भैया हम भी खालिस इंदौरी है। सलंग सेवा है देवास नाके तक की, खालिस इंदौरी, मुखलिस इंदौरी। और ये देखिए आप देख सकते हैं नाश्ता भी ऐसे ही करते हैं और पिज्जा भी खाते हैं ना, तो सिर डाल के खाते हैं। अर्जुन भी आप आएंगे ना हमारे दफ्तर में आएंगे ना तो आपको हमारी टेबल पे भी लाइसी और रखी मिल जाएगी। क्या भैया अपना फेवरेट टीम पास ही वही है। अर्जुन भाई का बोलना है कि इंदौर को अवार्ड मिलने के पीछे लोगों की दुकानें टूटी हैं। इंदौर में जाने मर्डन। अर्जुन भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को लेके आपके मन में काफी गुस्सा भरा हुआ है। मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि आप हमारे ऑफिस पधारे, हम लोग एक नया सेगमेंट भी चालू कर रहे हैं अभी जो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी हमारे स्टूडियो पे आ सकता है, हम वन टू वन लाइव सेशन करेंगे उनके साथ चीजों को लेके डिस्कशन करके। मेरा अनुरोध है कि आप जरूर पधारे जिसमें हम लोग आपसे भी डिस्कस कर सके क्योंकि आप और मैं मिलके इंदौर बनाते हैं, कोई बाहर से आके इंदौर को नहीं बनाता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर सके जवाब को लेके, और अगर सेटिस्फाई नहीं भी कर सके तो जो बातें आप जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाने में हम आपकी मदद कर सके। अर्जुन भाई जब मन हो बिंदास उठ के आप हमारी फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको एड्रेस मिलेगा, आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं वहां पे भी एड्रेस मिलेगा, आप वहां जाएं एड्रेस निकालें, गूगल मैप पे भी ढूंढ सकते हैं, गूगल मैप पे भी ढूंढने आप, वो आपको घर तक मतलब घर तक ऑफिस तक छोड़ेगा वो आपको। तो आप पधारे, हम लोग वहीं आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी फॉर टाइमिंग आप कमेंट करते रहे, जितने कमेंट आप करेंगे उतने जवाब मैं देता जाऊंगा आपको, और मेरी टीम, हमारी टीम जो है साथ में इंदौर डॉक की, वो पूरी आपके जवाब देती रहेगी। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं भैया बापड़। और क्या है, बिल्कुल भैया आते हैं, कब आना है बताओ भैया, जब आपका मन हो जब आ जाओ भैया। वो तो क्या खुला खाता है वहाँ तो, और वहाँ रिकॉर्ड खराब भी नहीं होता, खाता बंद भी नहीं होता है, तो जब मन हो जब उठ के आ जाओ। 6 से लेके 9 के बीच में आओगे तो ज्यादा अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे, उस वक्त पे हम लोग प्योरली कॉन्सेप्ट वाइज काम करते हैं। तो आप उस टाइम पधारें, बिल्कुल पधारें, कोशिश करेंगे लाइव जाने की आपके साथ। और भैया देखो अब हम आ गए हैं बापड़ चौराहे पे, तो मैं भैया अब अपनी टीम को भी, क्योंकि मैं टीम को लेके अभी तक आया नहीं हूँ, ये डिस्कवरी मेरी थी, मतलब डिस्कवरी हमारे साथ में अतुल भाई है उनकी थी, लेकिन मैं जाके एक बार बिना बताए टीम को एक्सप्लोर करके आ गया था। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ SJE करके एक दुकान है, छोटी सी दुकान, देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत स्पेशल है, बड़ा है कि इनका दिल इतना बड़ा है। और अर्जुन भाई कल आने का बोल रहे हैं, अर्जुन भाई कल आइए, आप बिल्कुल स्वागत है आपका, साथ में सेव परमल खिलाएंगे, और आप आओ सेव परमल और प्याज हमारी तरफ से। भैया यहाँ से यू टर्न ले लीजिए आप, यहाँ से भैया ये देखिए बापड़ चौराहे से वापस से आप जब विजयनगर की तरफ से आते हैं तो ये जो चौराहा हमने वापस से घूम के हम माता भारत माता मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, ये यहाँ पे भैया एक मुरली वाला स्वीट्स करके दुकान है, ये देखिए सामने आपको दिख रही होगी झमाझम लाइट जलती हुई रहती है मुरली वाला पे। तो ये मुरली वाला की जो गली है, मुरली वाला के पास से जो गली गई है भैया, गाड़ी चली जाएगी अंदर, अरे बेहतरीन जाएगी भैया, लहराते हुए जाएगी, एकदम साफ जैसी। कुलदीप भाई भी पूछ रहे कहाँ पे आना है, भैया ऑफिस पे आइए आप। और भैया ये देखिए, ये बापड़ चौराहे से मुरली वाला स्वीट्स है एक जगह, मुरली वाला स्वीट से के पास से ये गली गई है, इसके अंदर आप आ जाए। और भैया ये एकदम है ना टॉप सीक्रेट है, किसी को बताना मत कि यहाँ पे ऐसी, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो सुन के आपके मतलब होश उड़ जाएंगे, मतलब ये अचूक इलाज है, जब भी झगड़ा हो जाए अपनी। और भैया ये देखो ये यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए भैया। और भैया ये जो दुकान है ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये खाऊ लोगों के लिए बनी है दुकान। भैया ये आ गए हम SJE पानीपुरी पे,
ये अलग ही कॉन्सेप्ट है भैया। बस भैया यही रोक लीजिए भैया, गाड़ी साइड में भैया, गाड़ी वहां लगा लीजिए आप। एक मिनट भैया, गाड़ी वहां लगा लेते हैं अपन। और मैं कैमरे को अब अपनी तरफ कर लूं, थोड़ा सा व्लॉगिंग मोड पे आ जाए। मैं कर लूंगा ये, आपको बिल्कुल कर लीजिए। व्लॉगिंग मोड पे आ जाए नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल व्लॉगिंग मोड पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे नहीं, एक ही बात है, न खाता न भाई, जो विनीत भैया बोले वो सही। तो भैया क्या है, जरा रुकना, जिंदगी के साथ साथ कभी कभी माइक का वायर भी उलट जाता है, जिंदगी तो उलझी है ही। अरे अर्जुन भाई इंटरनेशनल हॉर्स राइडर है, अर्जुन भाई आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। एक छोटा सा सेशन आपके साथ करेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा आपके साथ तमगा लगा हुआ है कि आप इंटरनेशनल हॉर्स राइडर है, तो भैया हम भी मिलना चाहेंगे और मजा आएगा आपसे मिलके। तो भैया क्या है कि अब हम आ गए भैया, इसको उस पर करो ना सेल्फी मोड पे, तो भैया लोगों से मिलवाने में आसानी होगी। और भैया अब आ गए हैं हम इंदौर की एक ऐसी जगह पे जो शायद आप लोगों को, मुझे नहीं लगता पता है कि नहीं। ये पहले अपन जगह देखते हैं, ये पहले हम लोग जगह देखते हैं, पहले मैं कैमरा इधर मूव करता हूँ, यहाँ आए हम लोग। ये एक्सप्लोर्ड जगह है SJE पानीपुरी। और भाई साहब यहाँ की जो मेन स्पेशलिटी है ना, वो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की स्पेशलिटी है ये 10 सर वाले रावण भी 21 रुपए में अनलिमिटेड पानीपुरी खा सकते हैं। बड़े दिनों से मन था, हालांकि इसके ऊपर एक स्टोरी भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और हम लोग आ गए हैं SJE पानीपुरी, जहाँ पे 21 रुपए में, ये चेहरे की खुशी बता रही है कि कितने एक्साइटेड है सब। मैं हालांकि एक बार यहाँ आ चुका हूँ, और इधर से आ जाओ आप, दुकान देखिए, मतलब किसी ने सोचा होगा कि 21 रुपए में पानी पताशे खाने को मिलेंगे, वो भी मुफ्त और वो भी अनलिमिटेड। या किसी बड़े दिल वाले का काम हुआ ये, कि देखिए ये देखिए भैया, अब यहाँ से अपन थोड़ा सा मेन्यू चेक करते हैं। अनलिमिटेड पानीपुरी 21 रुपये, पानीपुरी 10 रुपये, दही पूरी 15 रुपये, पिज्जा पूरी 50 रुपये। भाई साहब ये भैया ने मुझे बताया था कि ये बहुत स्पेशल पानीपुरी है, ये पूरी पैकेट अगर लेना चाहें तो पूरी पैकेट 100 वाला, और ईट टिल यू फील। और यहाँ लोग आनंद उठा रहे हैं। भाई कैसा एक्सपीरियंस है? बेस्ट बेस्ट। चलो अभी तो हम आए हैं, हालांकि मैं भैया को जानता हूँ और मैं भैया से मिल भी चुका हूँ पहले आके। कैसे भैया, आपका नाम बताया? आज हम लोग माइक आईडी के साथ है नहीं, तो मैं छोटे माइक के साथ ही इधर उधर घूम रहा हूँ। प्रवीण भैया है यहाँ पे, और मैं हालांकि अभी 4-5 दिन 7 दिन पहले ही यहाँ होके गया हूँ। और यहाँ की एक स्पेशलिटी मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि आप 21 रुपए में भर पेट पानी पूरी, जब तक आपका अभी भैया उसमें भी आते हैं सिस्टम के ऊपर भी, कि किस तरह से आप जितना भर पेट खा सकते हो, इनकी कुछ शर्तें हैं, 3 या 4 वो शर्तें आपको पूरी करना पड़ती हैं। तो आप पानी पूरी
पानी पूरी अनलिमिटेड खा सकते हैं। प्रवीण भैया से पूछते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे दिमाग में है। प्रवीण भैया पहले तो ये पूछूंगा मैं कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया। हम लोग कहीं भी अगर पानी पूरी खाते हैं तो हम लोग ने देखा होगा अगर हम लोग किसी ठेले पे पानी पूरी खा रहे हैं या कहीं हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं अगर चार पांच लोग खा रहे हैं तो जब आप जैसे ही उससे पूछते हो कि भैया कितने बताशे हुए तो वो आपको बोलेगा बस ये आखिरी है। चोट लगती है लोगों के क्या बात। वहाँ से मैंने ये सोचा था कि जब तक किसी का मन नहीं भरे जब तक वो खाए और मैं कुछ नया करना चाह रहा था अपने कंसेप्ट के साथ में। जैसा अभी मेरा फर्स्ट आउटलेट है अभी सेकेंड आउटलेट में एक और ओपन कर रहा हूँ क्लब कॉलोनी पे मेरा भी सेकंड आउटलेट स्टार्ट हो रहा है 17th को ओपनिंग होगा उसका। तो ये कंसेप्ट मेरा बस इसीलिए है कि आपका मन जब तक करे जब तक खाए। क्या बात है। कैसे कैसे आप 21 रुपए में कैसे भरपेट पानी पूरी खिला देते हो यार। मतलब हमारे साइज देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग 100-150 कुछ अभी तक वैसे कितना मैक्सिमम कितना खाया है लोगों ने यहाँ पे पानी पूरी में। 151 हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक। अरे बाप रे 151 है मेल फीमेल एक बार में जी आए। चालू नहीं हो गए। और ये देखिए हमारे सनील भैया क्या है दबा के खा रहे हैं। हालांकि उनने पहले बोल दिया कि 21 रुपए वाले नहीं खाना है हमको 10 रुपए वाले खाना है। अनलिमिटेड नहीं खा पाएंगे। अनलिमिटेड मैं ट्राई करूंगा एक्चुअली लेकिन वो ऑफ द स्क्रीन करेंगे क्योंकि उसका रीजन है कि हम लोग एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए उसके लिए हम लोग एक शूट करेंगे तो वो बिल्कुल कहानी के हिसाब से आपके सामने आएगा। चलिए तो प्रवीण भाई से और पूछते प्रवीण भाई कहाँ पे और ओपन होने वाला है और कितने कितने हाईएस्ट हैं मेल फीमेल में जिन लोगों ने खाया है। मेल हाईएस्ट है 151 और फीमेल हाईएस्ट है 108। 21 रुपए में 151 पानी बताशे एक आदमी भाई साहब। इंदौर की इंटेंसिटी चेक कर लो आप क्या है ना। और फीमेल्स में 108 बापरे। लेकिन कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं हम हमारा फोटो नहीं लगाने देंगे इसलिए हम लोग ने नहीं लगाया। हमारा अभी जो इवेंट होने वाला है 100 लोगों को हम लोग अनलिमिटेड पानी पूरी। उस दिन भी आया था मुझे सर ने बताया था कि इस साल एक इवेंट करने वाले हैं जिसमें 100 लोगों के बीच में कंपटीशन करेंगे और उसमें आप अनलिमिटेड पानी पूरी खा सकते हैं। इसे भी विनती है ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दुकान कहाँ पर है जो थोड़ा सा आप बता पाएंगे तो। भैया ये दुकान बापट चौराहे से आप मुरली वाला स्वीट्स है वहाँ से एक अंदर रास्ता आता है और आप गूगल मैप पर भी ढूंढेंगे तो ऐसे ही अपने को आसानी से पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल तो भैया डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्टेड है भैया। हाँ भैया के पास सारे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेड हैं। अच्छा भैया एक आपने मुझे उस दिन बताया था पिज्जा पानी पूरी के बारे में। जी तो वो उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए ना वो थोड़ा सा अलग मुझे लगा कुछ। एक्चुअली पिज्जा पूरी नया कंसेप्ट नहीं है मार्केट में पिज्जा पूरी अवेलेबल है लेकिन अगर आप पिज्जा पूरी मार्केट में खाते हैं तो वो आपको आएगा 120 रुपीज में 10 पीसेस प्लस जीएसटी लाइक इट विल बी अराउंड 140 रुपीज के 10 पीसेस और अभी हम लोग सर्व कर रहे हैं 50 रुपीज में 6 पीसेस है। जी व्हाई आर भैया। तो उसमें लाइक आप जो पिज्जा पे टॉपिंग होता है वो टॉपिंग हमारी पूरी के अंदर होता है उसको हम बहुत अच्छे से उसके ग्रेट करके डालते हैं उसको फ्लेम से मेल्ट करते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिएगा तो आप नेक्स्ट टाइम पक्का पिज्जा पूरी खाएं। मैं बिल्कुल ट्राई करने वाली बात तो ऐसी है कि हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं एक स्टोरी करने के लिए और ये स्टोरी क्या एक्चुअली लाइव में फिर भी लोग कम पहुंच पाते हम स्टोरी करेंगे प्रॉपर और कोशिश रहेगी कि स्टोरी को इंदौर के लोगों तक बेधड़क पहुंचाया जाए। तो भैया अभी मैं ये माइक हैंड ओवर करूँगा आशीष भैया को और अब चांस है मेरा पानी पूरी खाने का। मैं क्या बताऊंगा। अच्छा मैं आपकी कमेंट्री करूं कि अब मैं काउंटिंग करूं कि आप कितनी पूरी पानी पूरी खा रहे हैं। काउंटिंग की तो खैर कोई वो वाली कहानी नहीं है मैं उस दिन खा नहीं पाया था तो आज मैं पूरी खाऊंगा मेरी। वैसे बता दे अभी सनील भैया ने तो निपटा दी एक प्लेट पानी पूरी। सनील भैया आपने कितनी खाई। परिंदा अपन ने छोटा पैकेज लिया छोटा भीम पैकेज 10 वाला पैकेज। अच्छा तो क्या बोलती इंदौरी जनता 21 वाले ट्राई करें कि 10 के खाए। नहीं मैं तो ये बोलूंगा कि 151 का रिकॉर्ड आज टूटता है क्या। 151 का रिकॉर्ड हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी है सोनल। सोनल मैं बता दूं इंदौर टॉक की टॉप फैन है और एक और बहुत बड़ी शख्सियत भी है ये अभी हाल ही में जो केबीसी
हुआ था जो लास्ट सीजन था उसमें कुछ सेकेंड या थर्ड राउंड तक उन्होंने खेला था, 6 लाख उन्होंने केबीसी से जीते थे। हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन, एक टॉक भी, बिल्कुल टॉक भी करा था उन्हीं के साथ। तो भैया विनीत ब्याह का जो है ये, और मैं सोनल को बोलना चाहूंगा, सोनल की शादी का इनविटेशन भी इंदौर टॉक की टीम को आया था, बट किसी किन्हीं व्यस्तताओं के चलते हम लोग इलेक्शन नहीं, इलेक्शन टाइम था उस टाइम, तो चूंकि इलेक्शन में हम लोग काफी व्यस्त थे तो सोनल आपकी शादी में नहीं आ पाए थे, पर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप जब भी हमें बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। तो देख सकते हैं जैसा खुलता हुआ, ये खजाना अपनी खुलता हुआ, पूड़ियाँ लोड हो रही हैं। अच्छा सर, ये वाले पताशे इंदौर में आपको इजी अवेलेबल भी नहीं है? ओके, ये पूड़ियाँ आप इंदौर में सर्च करेंगे तो आपको इजी अवेलेबल नहीं होगी। इंदौर मार्केट में आपको आटे का पूड़ी मिलता है, ये सिंधी पूड़ी कहलाता है, ये जो कि फेमस है मुंबई में, उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा ये मिलता है, और इंदौर में भी हम अकेले हैं जो इसको सर्व कर रहे हैं, और अभी हमारे जितने भी आउटलेट होंगे हम सब पे यही वाला पताशा खिला लेंगे। तो ये आप खुद ही बनाते हैं क्या? हाँ, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तैयार, एक बार एड्रेस फिर से बता दो। एक काम करो ना, एक कमेंट सेक्शन टाइप करके एड्रेस इनका टाइप कर दो ताकि लोगों को मालूम। बिल्कुल, अभी हम कमेंट सेक्शन में एड्रेस पिन कर देते हैं भैया का। भैया ये मेरा चालू पहला है, ये भैया का पहला शॉट, शॉट स्टार्ट हो चुका है, मोरस शॉट दे दिया है भैया ने। अब देखते हैं विनीत भैया कितनी खाते हैं पानी पूरी। विनीत भैया आप खा तो रहे हैं पानी पूरी, और ये वीडियो कहीं भाभी ने देख लिया ना, अकेले अकेले पानी पूरी खाते हुए, इसलिए सबसे पहले उसको खिला के गया हूं। अच्छा, मतलब आज आप पूरा प्लान बना के आए थे कि हमें 21 रुपए वाले बतासे आज निपटाने चलना है। तो भैया फिर क्या करना है, विनीत भैया को उनके पानी पूरी के साथ यहीं छोड़ना है और अपन अब थोड़ा सा विराम करें? नहीं, ऐसा है क्या? तो इनको यहीं छोड़ जाए, ये जब तक रिटर्न में ले लेंगे इनको। आज सर 152 खाएंगे और उन्हीं का फोटो लगाया जाएगा। वो फोटो ही लगाना, उसके बाद कुछ मत करना। तो ठीक है, जैसा कि आप विनीत भैया को उनकी पानी पूरी के साथ छोड़े जा रहे हैं, देखते हैं वो रिकॉर्ड टूटता ही टूटता है, जैसे ही होगा ये मतलब आपको तो खबर मिल जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देने के लिए फिर से लाइव आएंगे अगर रिकॉर्ड टूटता है तो। सही बात है, और नहीं आप टूटता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि नेक्स्ट टाइम विनीत भैया। आज मुझे लग रहा है विनीत भैया शिव परमल खा के आए थे। नहीं खाया भैया, पिज्जा ने कसम कुछ नहीं खाया। तो चलिए इंदौर की आज की तफरी में बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नई प्लेस को लेके और दिखाएंगे आपको इंदौर के किसी नए गंतव्य से सीधा प्रसारण इंदौर टॉक। ये रहा,